साथियों लोग बहुत बार हमसे कहते हैं सर ये जो वास्तु है ना ये बड़े लोगों का शोषा है खूब जो पैसे वाले होते हैं बड़े बड़े लोग करते हैं वास्तु ऐसा नहीं है उन्होंने कभी फॉलो किया था वास्तु को जब वो बहुत छोटे स्केल पर थे साथियों जब तक आप एक नहीं बोलोगे तब तक आप सौ नहीं बोल सकते छोटे से बड़े बनने के लिए बहुत सारे एफर्ट करने होते हैं जिसमें कि ऊर्जाओं को संभालना भी एक काम है कैसे संभालेंगे ऊर्जा को कैसे बढ़ेंगे आगे कैसे करेंगे तरक्की और कैसे बनेंगे बहुत बड़े आदमी इसके पीछे छुपा है एक छोटा सा फंडा आज वो समझ लेना आप कोई भी फैक्ट्री मकान दुकान शोरूम अगर आगे बढ़ाते हैं साइज को बड़ा करते हैं तो सोच समझ कर करना कहीं गलती ना हो जाए आज का वीडियो आपको इसी विषय पर आंखें खोलेगा नमस्कार साथियों मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और कहते हैं कि सर बड़ा बनने के लिए कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं कुछ नहीं करने पड़ते इसमें आपको कर्म भी करना है मेहनत भी करनी है और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान करना है कि आप सही दिशा में चलें वास्तु इज़ अ साइंस ऑफ वाइब्रेशंस एंड डायरेक्शंस दिशाओं का और ऊर्जाओं का विज्ञान है वास्तुशास्त्र लेकिन कैसे ऊर्जाएं बदल जाती हैं जब जब आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको अपना मकान बड़ा करना होगा फैक्ट्री बड़ी करनी होगी आपको दुकान भी बड़ी करनी है शोरूम बड़ा करना है आपको प्लॉट भी बड़ा करना है खेती की जगह आपको अपना फॉर्म हाउस भी बड़ा करना पड़ेगा अगर आप बड़े बनते हैं लेकिन बहुत बार हमने ऐसा देखा एक बार नहीं अनेकों बार कि जैसे जगह को एक्सटेंड किया जैसे एक प्लॉट में दूसरा प्लॉट जोड़ा और उसके बाद में किस्मत बदल गई बदलने का मतलब ये नहीं कि खराबी हो गई किस्मत और आगे भी चमक गई जैसे ही अपने भूखंड को आप बड़ा करते हैं साइज को बढ़ाते हैं तो क्या हो सकता है क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे ये आपको मैं आज बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में इसलिए मैंने लिखा सोच समझ कर अगर आप जो है अपना सावधान हो जाओ जमीन लेते हैं भूमि लेते हैं प्लॉट लेते हैं भूखंड लेते, लेते हैं मकान लेते हैं फ्लैट को डबल करते हैं कभी कभी एक फ्लैट आपके पास में साथ वाला फ्लैट परचेज करते हैं कि दोनों को मिलाकर एक बना लेंगे बड़ा फ्लैट बन जाएगा या आपके साथ का एक प्लॉट बिक रहा है आपकी कई कोठी बनी है मकान बना हुआ है साथ वाला अपना प्लॉट को बेच रहा है दाएं वाला बाएं वाला और आप सोचते ले लें तब क्या आपने गलती नहीं करनी क्या सोचना है समझना है आज इस पर प्रकाश डालेंगे इसलिए लिखा हमने एक्सटेंशन फैक्टर जब बढ़ता है तो क्या ध्यान देना चाहिए आपको वास्तु बहुत गहरी साइंस है बहुत गहरी साइंस है जब आपके साथ चलती है ना और सपोर्ट करती है तो आदमी जो है दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता चला जाता है और लोग कहते हैं सर ये पता नहीं इसके पास इतना पैसा कहां से आया लेकिन उसके पीछे कारण होते हैं आइए करते हैं डिस्कस इस फैक्टर को अपना घर ऑफिस फैक्ट्री दुकान इसका विस्तार करते हैं तो नोट करना ये सब का सब आपके सामने आ गया जब नहीं पता हो तब तो किस्मत भरोसे ठीक हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो नहीं हुआ नहीं हुआ तो लोग पछताते हैं रोते हैं उसके बाद में कि सर किस्मत ने धोखा दे दिया मैंने तो जगह को बड़ा किया था उसके बाद मुझे मुसीबत आ गई मेरी चलती फैक्ट्री बंद हो गई मेरा ऑफिस चौपट हो गया सर मेरे घर में जो है बहुत बड़ी मुसीबत आ गई कलह शुरू हो गई बीमारी शुरू हो गई मैंने सर प्लॉट को बड़ा किया था मेरे पास पैसे आ गए थे मैंने मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपने स्टेटस को अपने सिंबल को आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है पर गलती ना कर देना वास्तु यह कहता है कि जब भी आप आगे बढ़ते हैं देखिए जब भी आप आगे बढ़ते हैं प्रोग्रेस करते हैं कदम आगे बढ़ाते हैं जीवन में प्लॉट लेते हैं यानी एक मकान के साथ दूसरा प्लॉट अगर आप लेते हैं एक मकान के साथ दूसरा मकान लेते हैं या फ्लैट के साथ फ्लैट को जोड़ते हैं या फैक्ट्री के साथ अगर आगे दूसरी फैक्ट्री लेते हैं या उसके खाली भूखंड को जोड़ते हैं जितने भी फैक्टर बनते हैं बहुत सारे कंबिनेशन एंड परमोटेशन बन सकते हैं लेकिन जब वो करते हैं ऐसा तो ध्यान करना है या तो आपने बढ़ना है उत्तर दिशा में पल्ले बांध लेना या तो बढ़ना है उत्तर दिशा में या बढ़ना है आपने पूर्व दिशा पहली चॉइस है उत्तर दिशा में क्योंकि हमें पैसा वहां पर कमाना है तरक्की करनी आगे बढ़ना है उत्तर के बाद दूसरी जगह आती है पश्चिम में आती है पूर्व में अगर ये दोनों के दोनों आप कर लेते हैं तो संभावना होती है कि आपको तरक्की आगे मिलेगी मिलेगी और अगर आपके साथ में कभी ऐसा हुआ अगर आपने अपने प्लॉट को बढ़ाया है और बढ़ने के बाद तरक्की में कुछ रुकावट आई बाधा पड़ी समस्या आई तो ये समझ लेना आपने क्या किया आप या तो बढ़े हैं पश्चिम में या बढ़े हैं दक्षिण में ये दो दिशाएं ऐसी होती हैं कि जिनमें आपका बढ़ना जिसमें आपका जो है आगे एक्सटेंड कर देना बहुत बार आपको नेगेटिविटी दे सकता है इसलिए कोशिश करें कि जब भी बढ़ते हैं तो पूर्व में बढ़ें या उत्तर दिशा में बढ़ें इसके बाद पश्चिम में ना ही बढ़ें तो अच्छा है और दक्षिण में तो सौ बार सोच कर लिखा ना हमने सौ बार सोचना अगर आपका भूखंड या आपका मकान दुकान अगर आप दक्षिण में बढ़ा रहे हैं तो सौ बार सोच लेना क्योंकि ये एक्सटेंशन जो होते हैं आमतौर पर हमने देखा है कि 70 से 80 परसेंट और कभी कभी 90 परसेंट केसेस के अंदर समस्या पैदा कर देते हैं अब आप पूछेंगे सर क्या करें फिर हम फिर भी करना पड़ जाए ये सब कुछ आपके हाथ में नहीं है हालांकि आपको पूरम में उत्तर में ही कोई लेकर बैठा जाएगा खाली आओ जाओ बाबू जी ले लो मेरे से ये पूरम में है आपके उत्तर में नहीं हमेशा आपको नहीं मिला नहीं, नहीं मिलेगा ऐसा चांस कहते ना कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता आपकी है आप चाहते हैं कि पूर्व में उत्तर में अपने प्लॉट को अपने भूखंड को आगे क्या करेंगे चेक करना. कि जब आप दूसरा प्लॉट अपने साथ में जोड़ेंगे तो जो आपका एग्जिस्टिंग आपकी फैक्ट्री है या मकान है क्या इससे ऊंची और भारी बिल्डिंग दक्षिण में या पश्चिम में बना पाएंगे अगर नहीं बना पाएंगे तो मतलब मत लेना मत परचेज करना इसको और अगर फिर भी परचेज कर लिया आपने तो भारद्व जी अब तो ले लिया हमने पेमेंट कर दी तो उसका रास्ता अलग से रखना उस प्लॉट को अपने प्लॉट के साथ में अपने भूखंड के साथ अपने मकान के साथ बिल्कुल मत जोड़ना उसका प्रयोग कुछ भी करें आप, आप वहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं वहाँ पर अपने खेल कूद का बना सकते हैं ग्राउंड बैठने उठने के लिए कर सकते हैं या दूसरा मकान बना सकते हैं बच्चों को बनाकर दे सकते हैं अलग से लेकिन दोनों को जिस दिन आप जोड़ेंगे उस दिन समस्या आ सकती है दूसरी बात क्या करनी है आपने चेंज शेप हम क्या करते हैं प्लॉट मिल रहा है हमें हमने ले लिया लोग कहते हैं ले लो भाई आज मिल रहा है कल नहीं मिलेगा बहुत ठीक कहते हैं वो लोग भूखंड या जमीन या कोई भी जगह होती है सबसे अच्छा दिन वो होता है जिस दिन आप उसको परचेज कर लेते हैं लेकिन लेने के बाद में अगर उसकी शेप खराब हो गई वास्तु की बहुत सारी शेप जो है नेगेटिव मानी जाती हैं जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि नॉर्थ ईस्ट का कट जाना साउथ कटना नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया उत्तर पूर्व अगर उत्तर पूर्व कट जाता है प्लॉट को जोड़ने के बाद तो ये सबसे बड़ी सबसे बड़ी वास्तु की एक त्रुटि बन जाती है नेगेटिविटी बनती है ऐसा नहीं होना चाहिए और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्टर्स होते हैं साउथ वेस्ट का बढ़ जाना दक्षिण पश्चिम का नृत्य कोण बढ़ गया वायु कोण बढ़ गया या फिर आपका अग्नि कोण बढ़ जाता है कभी कभी इनका बढ़ना भी अच्छा नहीं होता तो सोच समझ कर देखना है कि जब आप दूसरा फुगुण जोड़ेंगे साथ में उसके बाद शेप क्या बनने वाली है अगर ऐसी और शेप बनती है तो भी सोच से विचार से बिल्कुल निकाल देना तीसरी बात क्या होती है अर्थ एनर्जी चेक कर लेना जिस जिस भूखंड को आप ले रहे हैं पहला जो भूखंड है मान लिया उसकी अर्थ एनर्जी मान लेता हूं कि उसकी ग्यारह हजार तीन सौ बोबिस एनर्जी उसकी थी और जो दूसरा प्लॉट हमने परचेज कर रहे हैं साथ वाला अगर उसकी एनर्जी वीक होगी उसकी एनर्जी नौ हजार है दस हजार है साढ़े नौ हजार है या इससे भी कम है तो यह मानकर चलना उसके उसके जुड़ते ही समस्या आ जाएगी यह ध्यान कर लेना आजकल उसको आज चेक करने के बहुत से तरीके हैं अर्थ की एनर्जी को चेक करने के बिल्कुल पूरी एक्यूरेट कंप्यूटर से चेक हो जाती है और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं तो भूमि जो आप लेंगे यानी आपके पास जो एक एक्स एक एनर्जी थी उसको जब आप दूसरा प्लॉट लेंगे जब उसमें से एक्स माइनस अगर कुछ हो जाएगा कुछ भी एनर्जी अगर माइनस होती है तो आगे चल के आपके ऊपर नेगेटिव असर पड़ने वाला है पहले तो कोशिश करो कि साउथ और वेस्ट में दक्षिण और पश्चिम के अंदर एक्सटेंशन ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है साथियों एक छोटा सा मैसेज देना मेरा काम वास्तु के अनुसार आपको क्या प्रिकॉशन लें जिससे कि आपके सामने ना आए कोई समस्या कोई बाधा नहीं आए तरक्की करते चले जाएं पूरे जीवन में यही मैंने मैसेज देना था आपको इसके साथ अगले वीडियो में जल्दी आपसे मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर